हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी पहले से बेटर फील कर रही हूँ। मतलब अपने आप को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब और मैं चल रही हूँ अभी स्कूल से बच्चों को लेने। 1 बजने वाला है, पहले छोटी वाली को लूंगी, फिर 1:30 बजे उनको लूंगी, यानी साथ साथ लेती हुई आऊंगी तीनों को। और साफ सफाई कर ली है मैंने, पूरा घर साफ साफ सुथरा कर दिया है। झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, बर्तन कर लिए, बच्चों के कपड़े निकाल के रख दिए जो कि आके चेंज करेंगे, और लाइट बंद कर देती हूँ इस कमरे की, दरवाजा। कर दिए मैंने बंद, और ये कमरा भी सब काम हो चुके हैं, और खाना मैं सुबह बना ही चुकी हूँ। और बच्चों के पापा तो अभी चले गए हैं, अब तो 1 बज रहा है, सुबह ही चले गए हैं ऑफिस। मैं रह जाती हूँ इस टाइम अकेली घर पे, और सभी लेडीज रह जाती होंगी। और बच्चे चले जाते हैं तो अकेले ही रह जाती हूँ मैं तो, और ये चले जाते हैं ऑफिस, तो अभी मैं अकेली। अभी सारा काम बस खत्म करा है और अब जाऊंगी इनको लेने, और फिर तो जी अब चलती हूँ मैं स्कूल बच्चों को लेने। और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और प्लीज चैनल पर जो पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग वो भी बताएं, और जो कमी लगती हो, कमी तो खैर होगी क्योंकि मैं तो सीख ही रही हूँ, अभी इतना कुछ नहीं आता है मुझे, सीख ही रही हूँ, तो सजेस्ट करते रहना आप ब्लॉग, मतलब कमेंट में बताना कि क्या कमी है ब्लॉग में, क्या नहीं है, या क्या करना चाहिए मुझे, या क्या नहीं करना चाहिए, या कैसे वीडियो बनानी चाहिए, तो ये सब कमेंट में बताना, अपनी राय जरूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी तो कुछ होगा। और आंख पता नहीं मुझे कैसी लग रही है, तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। गई इधर गर्मी पसीना देख रहे हो कैसे आ रहे, हो मुंह पे भी कितने सारे पसीने। ये गई कर रही है काम, ये परसों स्कूल ले गई थी तो उसका काम लेके आई है, बच्चों से मांग है वो कर रही है। और ये अपना दीकू अपनी पढ़ाई कर रही है, और ये दीकू के पापा अभी अभी आए हैं ऑफिस से। और आप क्या कर रहे हैं भाई? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर रही। कितनी शान से कह रही है कुछ नहीं। कुछ नहीं, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले अपने घर की किताब ले ले। कोई बात, पढ़ेगी पढ़ेगी ना पढ़ेगी। धीरू भाई अंबानी भी 9वीं पास है, 9वीं फेल था। तो फिर धीरू भाई अंबानी की ही क्यों करनी है रीस? धीरू भाई अंबानी नहीं पढ़े तो फिर मतलब ये भी ना पढ़े। सलमान खान भी पढ़ा लिखा, कई एक्टर अनपढ़ है। मतलब ये अनपढ़ की रीस क्यों करनी? नहीं, अनपढ़ की रीस नहीं करनी, मेरा मतलब ये है सीख जाएंगे तो अलग बात है इनका। हाँ बस ये है ना, मेहनत तो करो ना, नहीं नहीं आए वो अब अलग क्या बात पता है। उसका किस चीज में इंटरेस्ट आगे जब के आए, जरूर थोड़ी आगे, उसका पढ़ाई में अरे इंटरेस्ट पढ़ाई आना। के बिना कुछ कुछ भी नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई, तब तक थोड़ी अरे बहुत जेब नहीं में आएगी, पैसा कुछ नहीं होता होगा। तो पढ़े लिखे सलाम मारते हैं। जेब में पैसा भी तो होना जरूरी है ना, फिर बात बता रहा हूँ। कर ले बेटा, क्या हो गया? इंग्लिश ना करे? बड़े बड़े आए IPS अफसर, IAS ऑफिसर है ना, हाँ उनके ये अनपढ़ नेताओं के सामने सलाम ठोकते रहते हैं ऐसे। आपने पता नहीं है सीन काटने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? मैं से डर रही है। तो चले बाहर बिछाओ बेटा, मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। कौन ये पतीला मैंने रख दिया है, तेल डाल दिया है, और आज बनेंगे आलू और बैंगन, क्योंकि बैंगन ही रखे हुए थे, आलू रखे हुए थे, बाकी और कुछ रखा ही नहीं था। आलू खत्म हो गए, ये है। तो आज अभी आलू बैंगन की मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। अखबार वाला
पता नहीं, मैंने नहीं देखा। और गर्मी देखो कितनी ज्यादा है, 5-6 दिन से तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। देखो पसीने भी कैसे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। आपके कमेंट में लिखना आप कहाँ से हो और आपके कितनी गर्मी पड़ रही है। हमारे तो यहाँ पर बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा। और ये पतीला, कौन कौन अभी अभी पतीले में सब्जी बनाता है वो बताना। ज्यादातर तो वैसे लोग बाग आजकल कुकर में कढ़ाई में बनाते हैं, पतीले में मुझे लगता है कम ही लोग बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर है ना दाल गल जाती है, पानी अच्छा है हमारे। तो जी बच्चे अपना पढ़ाई करने लगे हैं तीनों, स्कूल का होमवर्क जो है वो पहले 2 दिन गए नहीं थे तो वही करने में लग गए हैं। और मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ और बच्चों के पापा अपना टीवी चला के बैठ गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आने के बाद थोड़ी सी देर तो आराम से बैठना चाहिए। और आते ही ये टीवी चलाते हैं क्योंकि पढ़ाई करने के बाद तो बच्चे इनको टीवी देखने ही नहीं देते और वो किसी को भी नहीं देखने देते। और यहाँ मैं कुछ गाना गुनगुनाने लग रही थी और टीवी, आपको ना कूलर की आवाज़ आ सकती है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो क्या करूँ, कूलर चला के आवाज़ को अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये मैंने छोंक दी है सब्जी। और मैं कह रही थी ना पतीले में सब्जी बनाते हैं हम, तो हम लगभग ज़्यादातर सब्जियाँ पतीले में ही बनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का पानी जो है ना वो अच्छा है और सब्जी बहुत अच्छे से, दाल वाल सब अच्छे से गल जाती है और टेस्टी भी बनती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब